हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। सो जस्ट अभी मैं सो के उठा हूँ और मौसम इतना जबरदस्त हो रहा है ना बाहर, मैं बता नहीं सकता। पूरी रात बारिश पड़ती रही, रात में बीच में एक बार तो बहुत जबरदस्त बिजली कड़की, मैं बहुत गहरी नींद मिला तब भी उठ गया और फिर बहुत देर बाद जाके नींद आई। तो जस्ट अभी उठा हूँ, इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। वैसे बाइक राइड मारने का मौसम तो हो रहा है, लेकिन अभी जा नहीं सकता। मतलब बहुत ज्यादा मन हो रहा है बाइक चलाने का ऐसे बारिश का मौसम हो और कहीं आसपास एक दो दिन के पहाड़ों की ट्रिप मारा हो। आज सैटरडे है तो छुट्टी है ऑफिस का, रिलैक्स रहेगा। बहुत दिन बाद एक फ्री डे मिला यार। ऑफिस के साथ यही होता है, मतलब आपको ना अपने लिए टाइम निकालना बहुत टफ हो जाता है थोड़ा, जबकि अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इसलिए बहुत सुकून है। नहीं तो बस ऑफिस जाओ तो फिर तो कुछ अपने लिए टाइम बचता ही नहीं है। आज वैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार रूम की सफाई भी करनी है मुझे, क्योंकि बहुत दिन हो गए, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा है, गंदा हुआ पड़ा है। लैपटॉप वैपटॉप इस तरह फैले हुए हैं कि जैसे कुछ सट्टा बजाव चलता हूँ। बस दो हफ्ते और रह गए और प्लास्टर से छुटकारा मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। हाँ, तो अभी उठ के मैं जल्दी से पहले आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ। एक एक गिटार मेरा पैक पड़ा है 3 महीने से, बजा तो पानी रहा, धूली जम रही है पड़े पड़े। देखो गाइस मौसम क्या जबरदस्त हो रखा है, ठंड भी है लेकिन बारिश, मतलब डुअल कॉम्बिनेशन। आसपास जो पहाड़ी एरिया है मसूरी और ये सब धनौल्टी वनौल्टी, वहाँ पे 110% स्नोफॉल हो रही होगी। जब वहाँ पे स्नोफॉल होती है तभी यहाँ पे बारिश होती है। तो ऊपर से दिखाता हूँ आप लोग को कैसा मौसम हो रखा है, क्या गजब व्यू आ रहा है भाई। उस साइड पहाड़ है मेरे यहाँ से, जब कभी आसमान क्लियर होता है तो छत से भी साफ दिखाई देता है। तो अभी ठंड लग रही है, अब जल्दी से नीचे चलता हूँ, चाय वाय पीते हैं, देखते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। पापा जी योगा कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए आराम से, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा। मैं तो ठीक कर लूँगा। हाँ अब ठीक लग रहे हैं, बढ़िया। वो करो योगा। तो गाइस मम्मी भी बना रही है चाय, मस्त शक्कर वाली चाय, रॉ शक्कर यूज करते हैं हमारे घर में ज्यादातर। तो कुहू भी सो के उठ चुकी है अब। गुड मॉर्निंग होगी कुहू आपकी? मॉर्निंग। देसी पत्रकार कर्मू मेरे साथ जा रहे हैं। तो जीजा कहाँ जा रहे हैं अभी, हम बताओ ना। इसीलिए बहुत अच्छा सा घर देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने आप से खुद से लेने वाला है। हाँ। YouTube की कमाई से। तो अभी हम एक घर देखने जा रहे हैं, हमारे पड़ोस में एक घर है, जीजा को भी घर लेना है हमारे, और ये बहुत रईस है तो इनके पास पैसा बहुत है, तो इन्हें बहुत ही बढ़िया वाली प्रॉपर्टी लेनी थी। तो अभी हम एक घर देखने जा रहे हैं, घर के हमारे बिल्कुल पास में, ये नया कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अरे ड्राइंग रूम है ना, उधर से एंट्री होगी एक, ये होगी इधर, मस्त बना हुआ इधर पूजा करा है। यहाँ पर डाले बढ़िया सोफा और नी मूड़े, यहाँ पर मूड़े वूडे डाल के बढ़िया सोफा यार, यहाँ शीशा लगा के। हाँ और खुला है वो, मम्मी ने बना दिया मस्त सैंडविच आलू भर के, देखा ना। ये बन गया मस्त सैंडविच, और जल्दी से नाश्ता करेंगे मस्त चाय के साथ। एकदम सिंपल सैंडविच बनाती है मम्मी, ब्रेड के बीच में आलू भर के, और कुछ नहीं लगाना, जैसे आलू के पराठे भरते हैं, और खाने में एकदम टेस्टी लगता है जबरदस्त। क्यों मम्मी? बिल्कुल खा कर देखियो, तेरी उंगली चाटते रह जाओगी। तो चलो करते हैं अब जल्दी से नाश्ता, भूख लग रही है यार बहुत तेज, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। ये आ गए मेरे सैंडविच और चाय। प्लान तो मेरा नहीं था, लेकिन रैंडमली फोन आ गया एक फ्रेंड का, तो गाड़ी में कुछ काम वाम कराना है, तो मैं सोचा मैं भी बहुत दिन हो गए थे मिले हुए भी उससे, तो मैंने कहा उससे मिल भी लेंगे और थोड़ा घूम भी आएंगे, इसलिए मैंने उसको कहा कि तू आ जा फिर चलते हैं, नहाऊंगा तो मैं हूं नहीं, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है आज, तो इसलिए रेडी होके फिर अपना जल्दी से निकलते हैं, चलते हैं घूमने। अभी मैं और रणदीप जा रहे हैं इसकी गाड़ी से, गाड़ी में कुछ फ्लोरिंग का काम कराना है इसको, और फिर थोड़ा सा मौसम बढ़िया हो रहा है तो घूमेंगे। गाने चलाओ बाबू जी। इंज करा तारीफ तेरे चेहरे दी। तो अभी भैया सारी सीट्स निकाल लेंगे, सब कुछ पूरी गाड़ी के अंदर से पूरा सामान निकलेगा, और उसके बाद ये फ्लोरिंग बिछेगी पूरी गाड़ी में नीचे, मैट के नीचे, वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, पानी वानी सब मिट्टी विट्टी गंदी ना हो, ताकि उसमें मैट में ना जाए वो नीचे उसके गाड़ी के फ्लोर में ना उलझे, तो इसलिए पूरी फ्लोरिंग करी जाती है गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए। सारी सीट निकलेंगी भैया इसकी, कंसोल तो निकलेगा। तो गाइस बहुत सारा सामान देख लिया गाड़ी का, लेकिन कुछ खास समझ नहीं आया, दुनिया भर का सामान देख लिया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, क्वालिटी बढ़िया मिली नहीं। भाई की नई गाड़ी है एकदम चकाचक, और नई क्रेटा में आते ही यहाँ डेंट मार दिया, बेशरम आदमी है बिल्कुल। ये यहाँ का गुरुद्वारा रोड मार्केट है, यहाँ पे गाड़ियों का सबसे ज्यादा काम होता है। तो गाइस गाड़ी का मैट का काम खत्म करवा के अब चल रहे हैं घर की तरफ, और कुछ तो हमने करवाया नहीं, सिर्फ मैट ही मैट, मैट भी नहीं बल्कि क्या है फ्लोरिंग करवाई। पक्की करवाना क्या क्या था वैसे? 70 मैट साइड गार्निशिंग।
अच्छा, और रेन वाइजर। भाई की नई गाड़ी है तो सारा काम एकदम नए सिरे से पूरा होना है इसमें। तो गाइस अभी आए हैं लस्सी वाला पे कुछ खाने पीने, यहाँ से कुछ खाते पीते हैं, लेते हैं कुछ बढ़िया था खाने का आइटम। वैसे मेरा हॉट चॉकलेट यहाँ का फेवरेट है, मैं तो वही लूंगा। सो ये आ गया अपना खाना फाइनली, स्प्रिंग रोल और एनएन मसाला डोसा, देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है। चलो खा के देखते हैं कैसा है। सो गाइस खाना पीना तो हो गया, अब चलते हैं वापस घर की ओर। चलें सर। तो हंसदीप जा चुका है और मैं आ गया हूँ घर। वो देखो कौन आया, कौन आया। तो कुहु आगे अपना ऑफिस लेके जा रहा, दिखाना कहाँ पे ऑफिस आपका। देखो ऑफिस, इधर आके दिखाओ अंदर। देखो ऑफिस, ऑफिस है आपका। देखो आजो पास, इधर इधर देखो कैमरे में, ऐसे बोलो हेलो। हेलो गाइस, गाइस वेलकम, वेलकम टू टू माय माय चैनल। थ्री टू वन गो। यस यस यस, रन 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 रन, आराम से आराम से। पूरी छत का राउंड लगा के आना, ऐसे ऐसे पूरा राउंड लगा के आओ, पूरा राउंड लगा के आओ, उधर से गोल गोल। ये वेरी गुड, इतने सुंदर हेयर है आपके। ओ वाओ, पिन भी, अच्छा पिन भी है। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो अभी मैं और मम्मी मिलके ऊपर वाले रूम की सफाई करते हैं। एक्चुअली सफाई नहीं हुई इसमें, ऑफिस मेरा यहीं पे चलता है ना ज्यादातर, ज्यादा डिस्टर्बेंस मुझे पसंद है नहीं, होता रहे उस टाइम पे। और फिर मम्मी भी अकेली हैं यार, मम्मी से भी अकेले इतना सारा काम मैनेज होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो अभी देखते हैं मम्मी क्या कर रही है, मैं भी थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ जितनी हो सकती है। तो अभी रूम की सफाई वफाई हो चुकी थोड़ी बहुत, मैंने ही मम्मी ये कर दी जितनी हो सकती थी, ज्यादा तो मैं हेल्प कर भी नहीं पाता हाथ के वैसे, लेकिन थोड़ी बहुत जितनी भी हो पाती है मैंने कर दी। बाहर जाने का मन कर रहा है यार, जैसे सैटरडे संडे है, घूमने वूमने जाओ, एक आध दिन के लिए थोड़ी छुट्टी मना के आओ। अब जाके प्लास्टर कटेगा तो फिर कोविड की रेस्ट्रिक्शन लग चुकी है बहुत ज्यादा, अब कहीं जा नहीं सकते। इसी को खुशी खुशी आदत बना के माननी पड़ेगी जब तक चल रहा है। ओए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, सारे कपड़े गंदे हो गए। हो मैं बता के आ रहा हूँ मम्मी को, मम्मी को बता के आ रहा हूँ। चलो अभी नहा के आए थे आप, चलो इधर चलो, मैं बता रहा हूँ मम्मी को अभी। चलो चलो भागो, चलो चलो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। देखो गाइस मेरे पड़ोस में अंकल रहते हैं एक्चुअली, ये सिंगिंग करते हैं, रोज शाम को आगे छत पे बैठ जाते हैं, हेडफोन लगा के अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। गाते तो बहुत अच्छे हैं, आंटी से छुप छुप के ऊपर आके रिकॉर्ड करते हैं। गाइज मैंने बीन बैग लिया था, 2 साल हो गए, 2 साल में मुश्किल से 2 दिन बैठा हूँ इस पे, किसी काम के नहीं आता, सिर्फ ये बैग वैग और सामान रखने के काम आता है। बड़े शौक से लिया था, इस पे बैठ के आराम से लैपटॉप पे काम करूंगा, अपना देसी जुगाड़ है, कुर्सी पे बैठ के आराम से तभी काम होता है। ये फैंसी आइटम अपने बस का सौदा नहीं है। मम्मी पी रही है आराम से बैठ के चाय, मम्मी का शाम का चाय पीने का टाइम है, अब हम भी पियेंगे चाय। क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों देख रही, क्या हुआ? यही तो बात है। सो गाइस अभी शुभम भाई आया थोड़ी देर पहले। हेलो। सो अभी हमारा प्लान है जरा अपना भालू जैसी हुलिया सुधारने जाने का, हालात एकदम जंगली हो जैसी हो रही है, बड़े बड़े हो रहे हैं बहुत, दोनों की बेड ऐसी हो रही है एकदम जंगली भालू जैसी। तो हमने सोचा थोड़ी अभी जाके दाढ़ी वाड़ी कटवाए, अपना हुलिया थोड़ा सुधारे। हेलो अरमान भाई, कैसे हैं आप? हमारा थोड़ा हुलिया सुधार दोगे आज? बस एकदम दुआ आपकी, इस जंगली को इंसान बनाओ, एक जंगली है बैठा है इसे भी इंसान बनाओ। आप तो स्मार्ट हो सर। मैं आप तो पैदा से स्मार्ट हो। दिल जीत लेते हो आप ऐसे ही कह के, चने के झाड़ में चढ़ा चढ़ा गए। चने के झाड़ पे तो चढ़ा जाता जो कुछ नहीं होता। अरे वाह। तो शुभम भाई का तो हेयर कट और दाढ़ी बन चुकी, विराट कोहली वाली दाढ़ी करवा ली, सेक्सी लग रहा है एकदम। सेक्सी तो हम पैदा ही हुए। अब मेरा नंबर है, दाढ़ी कटवाने हैं अभी, कटवा लूं जरा, थोड़ा इंसान बन जाऊं। सो गाइस बाल बाल कटवा लिए, एकदम इंसान जैसे बन चुके हैं अब, दाढ़ी बन गई, बहुत जंगली हुई पड़े थे, भालू जैसे बन गए ना, इंसान जैसे दोनों इंसान बन गए भाई, बिल्कुल जानवर हुए पड़े थे। थैंक यू अरमान भाई दोनों का हुलिया सुधारने के लिए। तो अभी चलते हैं घर, यहाँ गुंदा लग रहा है ये, पैच ये हो गया ना, कोई नहीं हो जाएगा तो सही, बाल तोड़ की निशानी कोई नहीं, चल जाएगा इतना तो। तो भाई अब चल रहे हैं घर की ओर, रात हो चुकी पूरी, मम्मी का 2 बारी फोन आ गया, कहाँ आओ बता के भी नहीं आया, एक तो ऊपर से।
सो गाइस डिनर करके मैं आ चुका हूँ अपने रूम में, अब बैठ के मुझे करनी है एडिटिंग। यार यहाँ से बाल साफ हो गए एक्चुअली मेरे, यहाँ पे एक्चुअली एक दाना हो गया था और उसकी वजह से बीच से बाल ही साफ हो गया। आज बहुत टाइम बाद दाढ़ी कटी ना, तो आज जाके मुझे पता लगा कि यहाँ से बाल ही साफ हो गए, पता नहीं आएंगे या नहीं। अगर आप लोग के पास इसका कुछ इलाज हो तो प्लीज कमेंट्स में जरूर रिकमेंड कीजिएगा। एक्चुअली लैपटॉप मेरा बहुत स्लो है तो रिस्पॉन्ड बहुत लेट करता है, बहुत पुराना हो गया, 2 घंटे का काम ये 4-5 घंटे ले जाता है करने में, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है एडिटिंग के लिए। इसलिए मैं अपने चैनल पे रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल पाता क्योंकि ऑफिस भी मैनेज करना है, साथ में वीडियो भी अपलोड करनी है, तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। बट कोई नहीं, जितना जल्दी हो सके चैनल पे फ्रीक्वेंट हो जाऊंगा मैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।